चुनाव के दिन जितने नजदीक आ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान पर अपने अपने दावेदार को पेश करने के लिए जनता के बीच लगातार ही जुड़ रही है, जनता के बीच अपने अपनी योजनाओं को लेकर बात कर रही है और सत्ता पर बैठी भाजपा की सरकार पर सवाल खड़े करने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगातार शुरू कर दिया है। अब आप जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस भले ही बढ़ चढ़ कर इस बार 27 साल बाद देखा जाए तो बीजेपी को फिर से हराने की उम्मीद में बढ़ चढ़ कर चुनावी मैदान पर उतरने का फैसला ले चुकी थी, लेकिन जो बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा हार्दिक के इस्तीफे के बाद। कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस पर अपनी तरफ से अपनी बात जो रखी, इससे साबित होता है कि हार्दिक का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना कांग्रेस के तमाम नेताओं को झटका दिया है। सोनिया राहुल पर तंज कसते हुए हार्दिक ने कहा था, जब कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत थी, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की कुर्सी खाली थी और वहां नियुक्ति की जरूरत थी, तो हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब यानी कि राहुल गांधी विदेश दौरे में जुड़े हुए थे। चुनावी मैदान पर किस तरह से मजबूत करना है अपनी पार्टी को, ये सोचने के बजाय हाईकमांड सोनिया गांधी सैंडविच को लेकर चिंतित रहती है। हार्दिक ने जिस तरह से बीजेपी की तारीफ की, आर्टिकल 370 की बात करें, अयोध्या की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए, तरह तरह के मुद्दे पर, एनआरसी मामले पर भी हार्दिक ने बीजेपी का सपोर्ट किया, तो बीजेपी के संपर्क में वो 2 से 4 साल से लगातार बने हुए थे, इस तरह की खबरें आ रही थी। अब गुजरात चुनाव नजदीक है और हार्दिक ने इस्तीफा दे दिया है। अगर बात की जाए कमलनाथ की, पूर्व मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने भी कहा कि उनका मंशा ही था। इस बीच सुनील जाखड़ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया, जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, और ऐसे में हार्दिक बीजेपी से जुड़कर बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी के आगे वो झुकते हुए, उनका झुकाव साफ नजर आया है। अब यहाँ आपको बता दें कि हार्दिक का बीजेपी की तरफ झुकाव देखकर किस प्रकार से जिग्नेश मेवानी ने उन पर तंज कसा है। अभी तक तमाम नेता है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात करे तो उसे लेकर भी बात करते नजर आए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी हार्दिक पर तंज कसा, उन्होंने कहा पार्टी के साथ धोखा किया गया है। अब हार्दिक के इस्तीफे से नाराज कांग्रेस पार्टी के नेताओं और खासकर जिग्नेश मेवानी के स्टेटमेंट जो है हार्दिक को काफी ज्यादा हैरान करेंगे। जिग्नेश और हार्दिक की ये भिड़ंत गुजरात में सोनिया राहुल के लिए कितनी मुश्किल भरी अब नजर आएगी, वाकई में आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सत्ता जो बरकरार है वो और भी ज्यादा मजबूत इस बार नजर आएगी, बताया जा रहा है क्यों, किस प्रकार से, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के बारे में जब यहाँ बात हो रही है, क्योंकि हार्दिक ने छोड़ दिया है कांग्रेस का साथ और जिग्नेश को जो कभी हार्दिक के साथ आप देखते थे वो, और जिग्नेश अब हार्दिक से बहुत नाराज है। जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक को निशाने पर लिया है और जिस बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए हार्दिक की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही, बीजेपी में एंट्री के दाव देख रहे हैं हार्दिक पटेल, तभी तो मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए, भाजपा की रणनीतियों की, योजनाओं की वो तारीफ करते नजर आए, तो कांग्रेस पर तमाम आरोप। तो जिग्नेश मेवानी का सीधा हार्दिक पटेल पर निशाना साधना किस तरह से सामने आया है आप जरा जानिए। दरअसल कांग्रेस पर 7 आरोप लगाए थे हार्दिक पटेल ने, सोनिया राहुल पर आरोप लगाए, कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए। गुजरात में कांग्रेस किसी भी तरह से साथ खड़ी नहीं है जनता का कल्याण के लिए, बल्कि सिर्फ विपक्ष में रहकर भाजपा सरकार पर हमला बोलने का ही कांग्रेस काम करती है, इस तरह के आरोप तमाम लगाए गए थे हार्दिक की तरफ से। तो जिग्नेश ने करारा जवाब दिया, जिग्नेश मेवानी ने इस पर कहा है हार्दिक और जिग्नेश के बीच राजनीतिक दुश्मनी जो है शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निस्वाद और गुजरात विरोधी होने का आरोप लगाया गया था हार्दिक पटेल की तरफ से। गौर करने वाली बात है इसका भी जवाब जिग्नेश देने के लिए तैयार चुके हैं। गुजरात विरोधी पार्टी कहना ठीक नहीं है हार्दिक पटेल को कह दिया गया है, सीधा जिग्नेश मेवानी ने कह दिया है कांग्रेस की मानसिकता गुजरात विरोधी है। कि जवाब में जिग्नेश मेवानी ने कहा कि कांग्रेस को गुजरात विरोधी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेवानी ने आगे कहा, आपको पार्टी के कुछ लोगों से आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी को ही गुजरात का विरोधी बता दिया जाए। जिग्नेश मेवानी ने आगे ये भी कहा है कि जिस तरह से बात आपने रखी है ये सही नहीं है, राहुल सोनिया को लेकर जो उन्होंने कहा, और क्या आप सबको बता दें, पता है कि हार्दिक पटेल ने किस तरह से अपनी बात रखी थी, उन्होंने कहा था चिकन सैंडविच की परवाह करती हैं सोनिया,
जमकर जवाब मिला है। गरिमा के साथ विदाई ले सकते थे हार्दिक, ये उनसे कहा गया है। जी हां, आप सबको ये जानकारी देना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में जिग्नेश मेवानी का गुस्सा तो निकल ही आया, उन्होंने काफी कुछ आगे आकर कहा है। बिल्कुल, आप सभी जरूर सुनना चाहेंगे, जिग्नेश मेवानी ने खुलकर कहा कि उन्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, पार्टी को चिंतन नहीं चिंता करनी चाहिए, यह हार्दिक ने कहा था। हार्दिक जो चिंतन शिविर में शामिल नहीं हुए थे, जिग्नेश ने इसका जवाब दिया और कहा हम चिंता भी करेंगे और चिंतन भी, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। यानी कि खुली धमकी यहां पर हार्दिक को जिग्नेश मेवानी की तरफ से मिल गई है, आप समझ सकते हैं। जिग्नेश ने हार्दिक को कार्तिक के कांग्रेस पार्टी के नस्लवाद पार्टी होने को मुद्दे पर भी घेरा और जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक से कहा जब आप 3 साल कांग्रेस में थे और शीर्ष नेतृत्व में थे कोई आपत्ति तब आपको नहीं थी। इसी के साथ साथ आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, हार्दिक ने कहा था कांग्रेस को सिर्फ अडवाणी और अंबानी से ही दिक्कत क्यों है, सालों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मेवानी ने इस पर कहा मुझे तो फिलहाल यह समझ नहीं आ रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको अचानक अडानी और अंबानी से कैसे प्रेम हो गया, मतलब साहब है आप ही अपनी विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। मेवानी ने गुजरात की भाजपा सरकार ने पाटीदार समुदाय को आरक्षण दिलाने का भरोसा दिलाया था, इस पर आपको बता दे कई तरह के आपसी झड़प हुए जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के बीच, इस पर जमकर हमला बोला गया, जमकर सरकार को लेकर निशाना बनाते हुए जिग्नेश मेवानी भी नजर आए हैं। जी हां, हार्दिक ने जब कहा मैंने अपने जीवन के 3 साल कांग्रेस में बर्बाद किए, तो जिग्नेश मेवानी ने कहा क्या आप राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, वह आदमी जिसने तुम्हें प्यार सम्मान दिया, जिस व्यक्ति के जरिए आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक आप पहुंचे, मेरी नहीं, 26-27 साल की उम्र में उन्होंने आपको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, आपको लाड़ प्यार दिया, आपको स्टार प्रचारक बनाया, इन सबके बावजूद अगर आपकी छोटी सी मांग पूरी नहीं होने के कारण पार्टी में नहीं रहना आपको मंजूर है तो आप विदाई लीजिए, लेकिन गरिमा के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।